नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों की बैठक समाप्त हो चुकी है। हरियाणा निवास में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, इसमें वाटर सेस समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। अब भी आप सुन भी रहे थे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को भी और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी, दोनों ने इन विषयों को लेकर के रखा और उन्होंने बताया कि वाटर सेस समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है और बिजली का रेट बढ़ने की सीएम मनोहर लाल की जो चिंता है इस पर भी सुक्खू ने कहा कि वाटर सेस से बिजली के जो रेट बढ़ने की चिंता है उस पर भी हमने बातचीत की है। मसले को लेकर के सचिव लेवल पर बैठक होगी ताकि इसकी और जो टेक्निकलिटीज हैं उसको समझा जा सके। हिमाचल के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर निवेश का जो विचार है वो यहां पर रखा गया है। तो तमाम अहम बातें आपने देखा यहां पर रखी गई। हालांकि सुखविंदर सुक्खू ने पहले भी कहा था ये विवाद नहीं है और इसमें जो समझ है वो एक दूसरे के साथ स्थापित करनी और इसी को लेकर के ये बैठक हुई है। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है जानकारी के साथ। साक्षी, अभी हम लोग सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दोनों सीएम की तरफ से, जो अहम बातें हैं आज इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आई हैं, अपडेट करें साक्षी। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री की जो बैठक थी वो करीब एक घंटे से ज्यादा, लगभग डेढ़ घंटे ये बैठक चली और इस बैठक में जो टेस्ट है, वाटर टेस्ट, जो जनरेशन टेस्ट की बात की जा रही थी, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था उसे लेकर दोनों ही मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जो सहमति है वो नहीं बनी है। जो कंफ्यूजन था वो जरूर क्लियर हुआ है। हरियाणा के डाउट हिमाचल ने क्लियर किए हैं और हिमाचल के डाउट हरियाणा ने क्लियर किए हैं, लेकिन हरियाणा ने अपनी तरफ से यही पक्ष रखा है कि जो भी अतिरिक्त कर लगाया जाना है वो अगर जो कंपनीज हैं अगर वो अपने पास से वहन करती है तो इसमें हरियाणा को कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हरियाणा की जनता पर कोई भी अतिरिक्त भार जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में हिमाचल ने भी यही कहा है कि ये हिमाचल का अधिकार है और केंद्र ने इस पूरे मामले में अगर सख्ती की भी है तो केंद्र से भी वार्ता करेंगे। इस तरह के जो मसले हैं ये सिर्फ वार्ता से ही हल करते हैं और आज जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है और इसके बाद अब दोनों ही मुख्यमंत्री ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि जो अब आगे की बैठकें हैं दोनों प्रदेशों के बीच में ये सचिव के लेवल पर भी चलेगी, यानी कि सेक्रेटरी जो है संबंध विभागों के वो आगे इस मसले पर बैठकें जो है करेंगे। जितने भी जो आंकड़े निकल कर आएंगे, फिगर्स निकल कर आएंगे, कितना भार पड़ सकता है, इन तमाम चीजों को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही कोई भी जो फैसला है वो लिया जाएगा। वही इसी के साथ साथ हरियाणा और हिमाचल के बीच में चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट की बात कर ले, वाटर के प्रोजेक्ट की बात कर ले, जो आदि बद्री डैम है जिसका एमओयू साइन हो चुका है उसका काम आगे बढ़ाना है, इस चीज को लेकर बात कर ले। और वही हिमाचल ने ये भी कहा है कि हरियाणा जो है बिजली के जितने भी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट हैं कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। तो इस तरह के जो मामले हैं, बातचीत है, वो आज दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच चली है। जी तो क्या साक्षी, ये माना जाए कि जो बात हिमाचल के सीएम के द्वारा कही गई थी कि ये विवाद नहीं एक तरीके का कंफ्यूजन है, क्या उसको कहीं क्लियर करने की कोशिश की गई है? और दूसरा, जो अधिकारियों के साथ जो चर्चा होनी है क्या उसमें इसकी टेक्निकलिटीज को समझा जाना है साक्षी? जी बिल्कुल, देखिए यही बात है क्योंकि कंफ्यूजन तो था लेकिन वो कंफ्यूजन आज कुछ हद तक एक बैठक में जरूर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की बैठकों से और संवाद से जो कंफ्यूजन है वो क्लियर किया जा सकता है। आज की बैठक में भी कुछ हद तक ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ है कि जब हिमाचल ने ये समझाया है कि ये उसका अधिकार है और इसमें हिमाचल भी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा और अतिरिक्त भार किस तरह से और कितना पड़ेगा वो अब आगे जो है सचिवों के लेवल पर, सेक्रेटरीज के लेवल पर बातचीत की जाएगी। साक्षी, क्या केंद्र की तरफ से कोई पत्र मिला है? क्योंकि इसके पहले सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमें केंद्र की तरफ से अभी ऐसा कोई पत्र नहीं मिला, कोई उधर से ऐसी गाइडलाइन नहीं है। क्या इस बात को इस बैठक के बाद उन्होंने क्लियर किया है, कुछ बताया है इस विषय पर? बिल्कुल, देखिए ये सवाल उनसे पूछा गया था आज दोपहर में भी, बैठक से पहले भी और बैठक के बाद भी, लेकिन उन्होंने कहा था कोई भी पत्र उन तक या हिमाचल में के किसी अधिकारी पर नहीं पहुंचा है। लेकिन आज की मीटिंग के दौरान हरियाणा के जो अधिकारी हैं उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री को और हिमाचल के जितने भी अधिकारी बैठक में शामिल थे उन्हें वो पत्र जो केंद्र की तरफ से मिला है वो पत्र जो है वो दिखाया है और उस पत्र में साफ तौर से जितने भी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत और जानकारी के लिए। और क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर के कहा गया है सुनिए। शेखावत जी हैं, उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात और उसका एक वो जल्दी हो जाए क्योंकि तो दोनों प्रदेशों का लाभ है उसमें, कहीं ऐसा विषय नहीं है, सबको एक बिजली भी मिलेगी, पानी का जो जिनको पानी मिलना उनको पानी का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से किया, ऐसे ही एक आदि बद्री का जो हमारा डैम का एक समझौता हमारा पहले हो चुका है उस पर भी एनवायरमेंट क्लियरेंस जो होनी है उसको शुरू करके ताकि उसको भी काम को शुरू कराएं। और बिजली के इश्यूज में जैसा अब एक नया सेस का विषय भी आपने निकाला है, हालांकि उसमें कोई हमारी सहमति आपस में नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि उसमें आपको पता है इधर इन्होंने एक्ट बनाया, हमने भी रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में, तो हम जैसे होता है कि भी लेट्स एग्री टू डिसएग्री,
तो उसमें हमारा डिसएग्रीमेंट है, उसमें कोई बातचीत आगे होगी। खास करके ये विषय एक सैद्धांतिक विषय है, उसके ऊपर चर्चा होना अभी शेष है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपने सुझाए कि बिजली के नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के नाते हरियाणा को ऑफर किया है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका जो एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगी कि कहाँ कहाँ बिजली के हाइडल के प्रोजेक्ट्स नए और हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे ताकि दोनों प्रदेशों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बने जिसमें पानी और बिजली दोनों का लाभ हो सके। इस प्रकार के कुछ इश्यूज बाकी, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी तो जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मूली मिलने का क्रम पहली बार शुरू है, आगे भी शुरू करते हैं। सर, डिसएग्री किस बात से आपने कहा इसको लेकर तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही बताया जा रहा था। कंफ्यूजन हाँ, किस बात से केंद्र ने लेटर भेजा है कि लागू करेंगे, शायद सब्सिडी बंद की जाए। देखिए, उसमें हमारा मत यह है कि कोई भी ऐसा कानून कोई स्टेट नहीं कर सकती जिसका इम्पैक्ट दूसरी स्टेट पर पड़े। तो एक प्रकार से क्योंकि सेस अगर वहाँ लगता है तो बिजली के ऊपर रेट बढ़ेगा और जो बिजली स्टेट खरीदने वाले हैं उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो जाएगा, और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा या बहुत कम जाएगा, लेकिन विषय तो सैद्धांतिक है, उस सैद्धांतिक विषय में जरा चर्चा करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जैसा आपने बताया एक पत्र उन्होंने लिखा है कि हम इस प्रकार का कोई सेस जो यानी इंटरेस्ट रेट जिसका इफेक्ट हो उसको हम सरप्लस जो कोटा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनको वो नहीं देंगे। अब अलग अलग विषय है लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। ग्रांट का नहीं था विषय, वो ग्रांट का नहीं था, वो विषय था कि जो एलोकेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोटा ऐसा कुछ शब्द है उसमें कि अनएलोकेटेड जो पावर का कोटा है वो उनको नहीं दिया जाएगा, डिमांड पर भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्णय किया। लेकिन हिमाचल सीएम ने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि वाटर पर कोई सेस नहीं लगाया गया है, वो गलत कंफ्यूजन प्रोजेक्ट पे है, वो हाइड्रो पर ही है। लेकिन हाइड्रो का आकर बिजली जहाँ बिकेगी अल्टीमेटली तो उसका जो असर है वो बिजली पर जाएगा, और जब बिजली पर जाएगा तो जो बिजली खरीदती है, हम भी आखिर हिमाचल से बनी हुई बिजली हरियाणा लेता ही है काफी, तो कितनी बिजली लेते हैं हम? अब उसके आंकड़े तो एकदम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्टरी लेवल की वो तो सेक्टरी लेवल की एक मीटिंग होगी वापस में करेंगे। लेकिन उसमें तो ये एक सैद्धांतिक बात है कि उसको आगे स्वीकार है कि नहीं है, उसमें केंद्र सरकार की अपनी भूमिका भी है और स्टेट्स की भी है, क्योंकि एक बार कोई एक रास्ता खुलता है तो बाकी स्टेट्स भी उस ओर चल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के उस विषय पर आगे चर्चा जैसे होती है सीखा। एसवाईएफ को लेकर भी कोई बातचीत हुई है क्या? क्योंकि एसवाईएफ भी हिमाचल से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जब भी एसवाईएफ की बात आती है हिमाचल भी कहता है कि हमारा को भी पानी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ हिमाचल का हमारा विवाद एसवाईएल के लिए नहीं है, हमारा पंजाब के साथ विवाद है। अगर इनका कोई पानी का विषय होगा तो इनका भी पंजाब के साथ होगा, अगर पंजाब के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी लड़ लेंगे। सर, ये मुलाकात आगे भी हिमाचल सीमा भी आपके साथ ही है, यही मुलाकात आगे तो तमाम विषय हैं, इनके ऊपर आगे बढ़ने के लिए बाद फिर से कोई ऐसी मुलाकात जल्द हो सकती है? पड़ोसियों का जो संबंध होता है वो दोस्तों से भी बढ़कर के होता है, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, दो दोस्त मजबूत पक्के दोस्त कभी भी बदल भी सकते हैं लेकिन दो पड़ोसी जैसे भी हो बदल नहीं सकते हैं, इसलिए दो पड़ोसियों का संबंध स्थायी संबंध होता है, इसलिए मिलते जुलते रहे। सवाल हिमाचल सीएम साहब से है, सर आप कह रहे थे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके साथ अब मुख्यमंत्री जी हैं, बिजली पर असर पड़ेगा, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस